हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है प्रज्ञेश और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि AVR Studio 4 में C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। पहले AVR Studio 4 ओपन कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, AVR GCC सिलेक्ट करके अपना प्रोजेक्ट का नाम दीजिए। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ रूटीन। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, AVR सिमुलेटर सिलेक्ट करके अपना कंट्रोलर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलर्स की फैसिलिटी है 8 मेगा 32 के। यहाँ पे मैं 8 मेगा 32 सिलेक्ट करने वाला हूँ। आप अपना कंट्रोलर सिलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक कीजिए। फिनिश पे क्लिक करते ही एक विंडो मिल जाएगी जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। सो, आपको अपना प्रोग्राम लिख दिया हो तो इसे बिल्ड कीजिए। बिल्ड विंडो में जाके बिल्ड, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। इन केस कोई एरर होती तो मैं इसमें मैन्युअल एरर डाल रहा हूँ। अब फिर से बिल्ड कीजिए। देख, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरर है जो जहाँ पे मैंने एरर डाली हुई थी। फिर से इस एरर को करेक्ट करके बिल्ड करेंगे। सो, आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो फिर इसे रन कीजिए। रन करने के लिए डीबग में जाइए और स्टार्ट डीबग में। अब इसे दो तरह से रन कर सकते हैं, एक साथ पूरा रन कर सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हैं। इसके पहले आपने जो प्रोग्राम में पोर्ट सी का यूज़ किया है तो मैं इसे पोर्ट सी को ओपन कर रहा हूँ कि मैं उसका एग्जीक्यूशन देख सकूँ। अब एक साथ रन करने के लिए रन पे क्लिक कीजिए और फिर से डिबग में जाके ब्रेक पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ पूरा प्रोग्राम रन हो रहा था, इसलिए आपको प्रॉपरली एग्जीक्यूशन देख नहीं पाए। अब मैं इसे स्टेप बाय स्टेप रन करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप रन करने के लिए स्टेप इनटू पे क्लिक, स्टेप इनटू जिसका शॉर्टकट है F11, उस पर क्लिक कीजिए। अब इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करा F11। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोर्ट सी पे वैल्यू टॉगल हो रही है। सो, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आप प्रोग्राम लिखना और उसे डिबग करना और उसे एग्जीक्यूट करना। सो, अब हम अपनी हेक्स फाइल ढूंढेंगे। यहाँ पे मेरा लोकेशन है सी यूज़र रवि डॉक्यूमेंट, वहीं पे जाते हैं। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट पे टी नाम से फाइल सेव की थी, पर पहले आपके जो डॉक्यूमेंट में जो फाइल में आपने सेव किया है वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट नाम का फोल्डर बन जाएगा, उसे ओपन कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी नाम की एक हेक्स फाइल जनरेट हो चुकी है। सो, अगर आपको ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ इसके वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।